ऑरेंज के पीओवी पीओवी को नॉक किया। स्काउट एक रन में ऑलरेडी अपने टीम के लिए 5 किल निकाल चुका है एंड 6 किल की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे स्काउट जिस तरह से अपने टीम के लिए परफॉर्म कर रहा है, यस पीओवी को भी कंफर्म करते हुए 6 किल पॉइंट स्काउट ऑलरेडी अपने टीम के ले चुका है एंड क्या बेहतरीन तरीके से अपने टीम के पूरे यू नो खराब सिचुएशन में उनको कैरी कर रहे हैं। और एक्सकेफ ने मिलकर उनको थर्ड पार्ट यू नो सैंडविच किया। पे स्काउट ने टीम कह सके आयला को फिर से नॉक किया। स्काउट अलग ही फॉर्म में खेल रहा, ऑलरेडी 6 किल्स हो चुके थे, 7 किल की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे वुमेन एलीट के लिए एक्सकेफ के पैराबॉय ट्रबल्स क्रिएट करते हुए एंड फनेटिक करेंटली विथ 7 किल पॉइंट्स एंड बेहतरीन गेम प्ले हमें उनके तरफ से देखने को मिल रहा है। एंड वहाँ पे आप देख सकते हो जोन से फिनिश ऑफ होते हुए टीम कह सके आयला एंड आई थिंक ये किल पॉइंट भी स्काउट को मिलेगा, मेकिंग 7 किल्स फॉर हिम, 8 किल पॉइंट्स फॉर फनेटिक इन ऑल। एंड यहाँ पे फनेटिक का बहुत ही प्यारा अपॉर्चुनिटी, 8 पॉइंट किल पॉइंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर उनके लिए चिकन डिनर आता है तो दे विल मेक अ मैसिव पुश टुवर्ड्स द नंबर 5 स्पॉट। आपको हील अप कर रहे हैं टीम 4M के जीनिए थोड़े से दिक्कत में लग सकते हैं। अगर यहाँ पे टीम टेम्पो के प्लेयर्स स्मोक के बाहर आके इनको इजीली स्पॉट कर सकते हैं तो वो हाई ग्राउंड एडवांटेज रहेगा जिसके कारण फिनिश कर सकते हैं। बट स्काउट का यहाँ पे नेट जाता हुआ टीम को ऐसे के डेक्सी को नॉक करते हुए मार्को को भी फिनिश कर दिया। स्काउट इज ऑन एब्सोल्यूट फायर थक भाई। Yep, with 9 kills in this particular game, finally DKG के Moxie picks off Scout OP, but and Scout यहाँ पे knock हो चुका है with 9 kills in this game and स्काउट को यहाँ पे रिवाइवल मिल जाए, जस्ट प्रे फॉर दैट बिकॉज जिस तरह से वो इस गेम में खाली ओवेस ने वहाँ पे टीके जी के क्रेजी को नॉक किया, कूल बाय ने वहाँ पे ओल्ड बाय को नॉक किया, ओवेस ने वहाँ पे क्रेजी को कंफर्म किया, फनेटिक यहाँ पे चिकन डिनर की ओर बढ़ गया। 3v2v1 का सिचुएशन है एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारा अपॉर्चुनिटी है फनेटिक के पास, उनके पास एक माइन एडवांटेज है, उनके सामने एक्सकेफ और डीके जी है एंड यहाँ पे अगर फनेटिक के चिकन डिनर ले लेते हैं उन लोग पॉसिबल में एक बार में टॉप 5 स्पॉट की तरफ जाएंगे। एंड देख सकते हो कितने ज्यादा अच्छे स्प्रेड आउट है प्लेयर्स, इस बार थोड़ी सी संयम में लग रही है टीम फनेटिक, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। एंड यहाँ पे कूल बॉय फाइट लेते हुए टीम डीकेजी के प्लेयर्स का गेस का को कंप्लीटली नॉक करते हुए एंड वहां पे फिनिश ऑफ करते हुए पीछे से ओवेस आया, पर जिमी ने ओवेस को वहां पे यू नो पकड़ लिया था, कूलबॉय को कवर फायर दिया। नाउ इट्स अ 3v2v1 सिचुएशन, रौनक और स्काउट यहां पे कोशिश करेंगे जिमी को पिक ऑफ करने के लिए, नीचे से कवर फायर देंगे, ओवेस का रिवाइव होना हल्का मुश्किल लगा, इन लोग यहां पे स्मोक कर पाते हैं तो ओवेस रिवाइव होगा। ओवेस की जी और एक्सपी उनके लिए चिकन डिनर रैंक 1 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड फनेटिक के लिए चिकन डिनर इंपॉर्टेंट है इफ दे वांट टू मेक इट टू द टॉप 5। वहां पे आप देख सकते हो कूलबॉय ने कार्ड बस्ट किया बट देन उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, वहां पे जिमी इग्नोर कर रहे हैं इस फैक्ट को कि राइट में ओवेस हील अप हो रहे हैं, इनके पास शायद नेड्स नहीं होंगे क्योंकि अगर नेड्स होते तो अभी तक ओवेस वहां पे कंफर्म हो चुका होता। बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल चांस है बट स्काउट यहाँ पे प्ले जोन से नॉक होते हुए एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट होता हुआ टीम फनेटिक के खेमे में, बट इट्स नाउ ऑल ऑन टुवर्ड्स रौनक एंड ओवेस, बट जिमी ने यहाँ पे ओवेस को भी फिनिश ऑफ कर दिया। टीम